गेटू हमारा अपना है तो और इस पे जाकर सब सलाली परचम को लहराएं। तो इस जज्बे के साथ हम थे, लेकिन अल्लाह का करना अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि वालिद गेटू की बुलंदियों पर कहीं खो गए और वापस ना आ सके। इंशाल्लाह मैं इस सिलसिले को जारी रखूंगा और वालिद के ख्वाब को पूरा करूंगा और दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उस पर सब हलाली परचम लहराऊंगा। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, पहाड़ों का बेटा पहाड़ों का होकर रह गया है अली सतपारा, जो चंद अरसा कबल केटू सर करने के लिए निकले थे अपने कुछ दो गैर मुल्की माउंटेन क्लाइंबर के साथ निकले थे, वो आज तक वापस ना आ सके और हमेशा के लिए वो मौत की अबदी नींद सो गए हैं। आज उनके फर्जंद साजिद सतपारा हमारे साथ मौजूद हैं। अली सतपारा के हवाले से हम उनसे तमाम तर तफसीलात लेंगे क्योंकि उस मिशन में ये भी उनके साथ थे, तो उस तमाम तर मिशन की अपडेट इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद, अली सतपारा जो थे वो पाकिस्तान के वाकई कौमी हीरो हैं, वो केटू सर करने के लिए निकले थे जो आज तक वापस नहीं आ सके। सबसे पहले बताएं कितना बड़ा ये लॉस है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए? ये बेसिकली हमारे तो घर का एक सरबराह था और वालिद सारी जिम्मेदारियों को संभालता था। ये अनरिकवरेबल लॉस है एक हिसाब से। वालिद की जो सरपरस्ती है ना होने के बाद एहसास होता है कि कितनी बड़ी नियामत है। उसके बाद जो पाकिस्तान क्लाइंबर्स कम्युनिटी के लिए तो एक बड़ा लॉस है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंबर थे जिसने पाकिस्तान का भी एक माइनास को पेमा था, जिसने 8000 से बुलंद 8 चोटियों को सर किया था, जो विंटर फर्स्ट विंटर ऑफ नंगा पर्वत। और इंटरनेशनल जो क्लाइंबिंग कम्युनिटी है वालिद को रिकॉग्नाइज करती थी, क्योंकि वालिद अक्सर माउंटेन बजाते थे, उसकी जो सारे काम होती रॉक फिक्सिंग जो क्लाइंबिंग की जो सारी वो जिम्मेदारी हो संभालते थे। और जब पाकिस्तान में भी आते थे जो इंटरनेशनल क्लाइंबर अक्सर उनके साथ जाते थे और एक्सपीरियंस क्लाइंबर थे, वन ऑफ द एक्सपीरियंस क्लाइंबर थे। तो ये क्लाइंबर्स कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है और पाकिस्तान बेसिकली जो पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि वालिद एक पहचान थी जो क्लाइंबिंग की, जो दुनिया के बुलंद तरीन जो पहाड़ों पर सब्ज़ लाली परचम को लहराते थे, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। केटू सर करना कोई आसान काम नहीं था, इससे पहले किसी ने केटू को सर नहीं किया था। कुछ अरसा कबल नेपाली जो आए थे कोपेमा, उन्होंने सर किया था, उसके बाद अली सतपारा आपके साथ गए थे, तो कुछ अंदाज़ा था पहले से कि कुछ ऐसा अंदोनाक वाक्य भी हो सकता है? हाँ, इसकी रिस्क तो होते हैं, क्योंकि रिस्क ये काम है हमारा, रिस्क का है क्लाइंबिंग, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना है, आपने बर्फों पर चढ़ना है, बहुत सी बुलंदियों पर जाना है, तो इस पर रिस्क तो है क्योंकि आपको कहीं भी 50% रिस्क पे चलते हैं। लेकिन बेसिकली समर से भी विंटर क्लाइंबिंग थोड़ी वो रिस्की होती है, क्योंकि जो विंट है और टेम्परेचर है -45-50 तो नॉर्मल होता है, और जब 8000 से अबाव आप जानते हैं तो 60 भी जाता है, 60+, तो रिस्क तो होती है। क्योंकि केटू विंटर था जो ऑनली जो माउंटेन था जो 8000 में से जो अनक्लाइम था विंटर में, तो इसमें रिस्क तो थी, लेकिन हमारा डिसीजन था कि इंशाल्लाह जो इस साल वर्ल्ड के जो बेस्ट क्लाइंबर्स आ रहे थे, हमने क्यों ना सोचा कि यार ऐसे पाकिस्तानी क्लाइंबर क्यों ना हम इस माउंटेन पर जाएँ, क्योंकि केटू हमारा अपना है तो और इस पर जाकर सब्ज़ लाली परचम को लहराएं। तो इस जज्बे के साथ हम थे, लेकिन अल्लाह का करना अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि वालिद केटू की बुलंदियों पर कहीं खो गए और वापस ना आ सके। अच्छा, केटू जो है उसके 4 कैंप्स हैं, आप भी उनके साथ गए थे और तबीयत नासाजी की वजह से आप वापस आ गए हैं, आपको क्या आपने वहाँ के किन बीमारियों में आप मुब्तला हो गए थे, और ये बताएं कि आप कौन से कैंप से वापस आएँ? जी बेसिकली हम क्लाइंबिंग एक वन ऑफ दी हार्डेस्ट वॉक इन दी वर्ल्ड हम कहते हैं इसको, हम और मैंने देखा भी है, क्योंकि जब हम बेस कैंप से जाते हैं तो कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, फिर उसके बाद समिट पुश होती है, तो इन 4 दिनों में मुसलसल आप केटू पर चढ़ रहे होते हैं। तो कैंप 3 से हमने इस साल समिट पुश किया था, तो उस एनर्जी लॉस होती है आपकी, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके बाद आपको नींद नहीं आती है रात को, और पानी की कमी, पानी को पी नहीं सकते इतनी सर्दी में, बहुत से मसाइल होते हैं। उसके बाद एनर्जी की लॉस होती है, और आप विदाउट ऑक्सीजन जब क्लाइंब कर रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी मुसलसल लॉस होती है। तो 8200 मीटर पर पहुँच कर मुझे एहसास हुआ कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरी सेहत मुतासर हो रही, क्योंकि ऑक्सीजन ना हो तो सारी जो आपकी निज़ाम है वो बॉडी का वो मुतासर होता है, क्योंकि आप चल नहीं सकते हैं सही तरह, आप सोच नहीं सकते हैं, तो ये होता है। तो मुझे एहसास हुआ कि इधर थोड़ा मसाइल हो रहे हैं, तो मैंने जो बैग में ऑक्सीजन कैरी किया था उसको यूज़ करने की कोशिश की, उसका जो रेगुलेटर था वो लीक हो गया उधर, तो वालिद ने कहा कि आप बेहतर है कि वो, उसके बाद मैंने सोचा कि रेगुलेटर भी लीक हो गया, वालिद तो कच्चा ले गए थे उधर से, तो मैंने सोचा कि मैं उधर नीचे जाता हूँ कैंप 3 पे, ये 3 बंदे समेट करके आएंगे, उनको पानी शानी बनाऊंगा उधर गर्म करके,
ये समेट करके कैंट्री पर पहुँच जाएंगे तो इनको थोड़ी वो सहूलियत होगी, इसलिए मैं नीचे आ गया, लेकिन अल्लाह का करना बदकिस्मती से वो वापस नहीं पहुँचे नीचे। अच्छा, आप कैंप थ्री से वापस आए हैं और हाँ, तो वहाँ पे एक जोन भी है जिसको डेथ जोन भी कहा जाता है। अब काफ़ी कयास रईयाँ पाई जाती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अली सतपारा जो हैं वो कैंप फोर तक गए हैं, उनने केटू सर किया, वापसी पे वो उनके साथ ये वाक्या पेश आया। कुछ लोग कहते हैं कि अभी केटू सर नहीं हुआ था जो पहले उनके साथ ये वाक्या पेश, तो आपके नज़दीक उनने क्या केटू सर किया है? जी, 200 मीटर तक तो मैं उनके साथ था, उसके बाद वो ऊपर गए हैं क्योंकि वो उस दिन मौसम भी ठीक था, कोई दिन के 11-12 बजे वो 8200 मीटर पर पहुँचे थे, और वेदर कंडीशन को देखकर, उनकी सेहत को देखकर, और वो वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंबर थे, एक्सपीरियंस क्लाइंबर थे, वालिद तो दुनिया के जाने माने हुए क्लाइंबर थे, उसको विंटर भी एक्सपीरियंस, विंटर में भी एक्सपीरियंस था, और बहुत से माउंटेंस उसने विंटर में भी क्लाइंब किए थे। और दूसरे जो क्लाइंबर है जॉन स्नोरी भी आइसलैंड का बेस्ट क्लाइंबर था, और चेली का जो जेपी मोहर था वो भी बेस्ट क्लाइंबर था, और यंग भी था। उनकी टाइमिंग को देखकर और वेदर कंडीशन को देखकर तो मुझे यकीन है कि उन्होंने समिट किया है और वापसी पर उनके साथ कोई हादसा पेश आया। और केटू की हिस्ट्री भी है कि जितने जो 2008 का वाकया हुआ है और 2011 का जो बिग एक्सीडेंट था बोतल नेक, वो सारे डिसेंडिंग के दौरान होते हैं, क्योंकि समेट करके जब बंदा नीचे उतर रहा होता है तो उसकी एनर्जी भी लॉस होती है, और दूसरी बात क्योंकि वो कंडीशंस, वेदर कंडीशंस होते हैं वो भी थोड़े वो शाम को वो होते हैं, चेंज होते हैं, तो इन सब को देख कर बहुत लगता है कि समेट किया और वापसी पर उनके साथ मसला हुआ है। अच्छा, केटू की एक तारीख ये भी है कि कहते हैं कि हर 4 बंदों में से एक बंदा जो है वो ज़रूरी वो मौत के मुँह चला जाता है, तो क्या आपकी फैमिली ने, आपके बाकी जो अजीज व अकारिब हैं उनने आपको रोका नहीं था, मना नहीं किया था आपको, आपके वालिद साहब को, कि ये एक ऐसा आपके साथ कोई ऐसा वाक्या पेश आ सकता है तो आप ना जाएं? बेसिकली जो हमारा प्रोफेशन ही है क्लाइंबिंग प्रोफेशन है, और हम इसी से ही कमाते हैं और इसी से ही वो हमारे गुजारा चलता है, तो ये हमारा काम था, तो फैमिली को कुछ खदशात तो थे कि आप बेहतर हैं कि क्लाइंबिंग करें, और ये हमारा अंदाजी पेशा भी है, और हमारे एरियाज में खूबसूरत माउंटेन्स हैं जो K2 हो गया, नंगा पर्वत, G1, G2 और ब्राड पीक, तो हमारी खुशनसीबी समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान में माउंटेंस है और अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है कि इन पहाड़ों को क्लाइम करने की, तो इस जज्बे के साथ हम जाते हैं कि हमारे मुमलिकत पाकिस्तान का जो सबसे लाली परचम है इस पहाड़ों पर लहराएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, आप K2 के अलावा आप किसी और जो माउंटेन है उसको क्लाइम करने के लिए गए थे आप और अली सतपारा? हाँ, वालिद तौर में बेसिकली जो फर्स्ट मेरा एक्सपीडिशन था 2018 में, वालिद तौर में साथ में थे K2 में, लेकिन मुझे उस साल मुझे समेट नहीं हो गया, वो कैंप 4 से नीचे आ गया था, वालिद ने समेट किया था उस साल 2018 में समर में, और 2019 में मैं खुद गया था K2 में, और K2 को मैंने समेट किया, और वर्ल्ड यंगेस्ट क्लाइंबर हूँ जो इसने 20 साल की उम्र में K2 को समेट किया है, 20 साल की उम्र को K2 को समेट किया है। और दूसरे जो माउंटेन्स हैं कुछ रेस्क्यू मिशन किए हैं, बाकी मैंने और वालिद तो अक्सर आगे पीछे जो नेपाल में जाया करते थे, लेकिन इंशाल्लाह मेरा क्लाइंबिंग करियर अभी स्टार्ट हुआ था, तो इंशाल्लाह मैं इस सिलसिले को जारी रखूंगा और वालिद के ख्वाब को पूरा करूंगा, और दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उन पर सब्ज लाली परचम लहराऊंगा, और इंशाल्लाह बिल्कुल नाज़रीन इनका जज्बा है कि दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाते हुए उन पर सब्ज़ हलाली परचम भी लहराएंगे। मुझे ये बताएं कि K2 सर करते वक्त आप वहाँ पे बर्फ़ इतनी होती है, टेम्परेचर इतना होता है, तो वहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल होता है, महाल होता है, फिर आपके साथ जो और आपकी बुनियादी अशिया ज़रूरियात होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जब साथ लेके चलते हैं तो आप बहुत मुश्किल होती होगी, जब आप सर करते ऊपर जाते जाते हैं तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना, सांस फूलता होगा, मसले होते होंगे, तो उन सारी चीज़ों से कैसे आप नबर आजमा होते हैं? बेसिकली जो हमारी बात करें तो अगर हम माउंटेन में रहते हैं और बचपन से ही पहाड़ों की आगोश में पले हैं तो हमें तो इतनी मुश्किलात नहीं होती है, क्योंकि हम इसी टेम्परेचर में वो हैं, एडजस्ट हैं, तो उसके बाद इन्वायरमेंट में एडजस्ट हैं, इसके बाद भी मुश्किलात तो होती हैं क्योंकि आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। और जो क्लाइंबिंग एक बहुत बड़ी वो है, वन ऑफ द हार्डेस्ट वॉक इन द वर्ल्ड है, तो इसको हम बर्दाश्त तो करते हैं और उस बर्दाश्त करके चलते हैं, और उसकी की तैयारी भी करते हैं, साल भर इसी की तैयारी करते हैं कि हमने इस एक्सपीडिशन पर जाना और K2 को क्लाइंब करना है, तो जज्बा भी होता है और पेशन भी होता है कि हमारे पहाड़ों के साथ जो लगाव है उसकी वजह से हम ऊपर चढ़ते हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब की अभी तक जो लाश है वो अभी तक नहीं मिली, तो क्या आपको उम्मीद है कब तक वो उनकी लाश जो है वो मिल जाएगी आपको? पॉसिबिलिटी तो 50-50 है, इंशाल्लाह
हमने जो प्लान किया कि समर में हम एक्सपीडिशन बनाएंगे वालिद की जो बॉडीज और उसके जो साथियों की बॉडीज की सर्चिंग के लिए, और इसके साथ साथ हमने एक और वो प्लान भी बनाया कि जो केटू की क्लीनिंग के बारे में जो रोप्स हैं और रोप्स और जो केटू की गार्बेज पड़ा है, क्योंकि केटू की क्लीनिंग कोई 10-12 सालों से नहीं हुई है और स्पेशली जो एक्सीडेंट्स होते हैं अक्सर एक्सीडेंट्स केटू पर होते हैं जो इन्हीं और रोप्स की वजह से होते हैं, क्योंकि इतनी हाइट पर आपका जो मेंटलिटी भी सही काम नहीं करती है, उस वजह से आप सही वो रोप्स को पहचान नहीं सकते हैं कि कौन सी और रोप ओल्ड है और कौन सी और न्यू है, इस वजह से भी होते हैं। तो हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह जो फुली फोकस है कि इस साल जो वालिद के समर में जो जून जुलाई में जो बेस्ट सीजन होता है क्लाइंबिंग में उनकी सर्चिंग करें, तो इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए उनकी बॉडीज। अच्छा, अली सतपारा जब वो उनकी लापता हो गए तो पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन 2-3 दिन जारी रखा, अपने तमाम तर वसाइल जो है उन्हें बरकरार लाए, आज उन्हें कौमी हीरो का एजाज़ भी दिया जाएगा, उसी के हवाले से आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, ISPR की जानिब से आपको ये अवार्ड दिया जाएगा, तो कैसे जज्बात हैं अपने वालिद को कौमी हीरो का अवार्ड लेते हुए, कैसे जज्बात हैं? जी बेसिकली मैं पाक आर्मी और दूसरे जो हमारे इदारे हैं गवर्नमेंट और GB गवर्नमेंट दूसरी जो पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हौसला अफजाई की और बहुत सी दुआएं की और इस कठिन घड़ी में और इस मुश्किलात के दिनों में हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब बना, और आर्मी ने जो ऑपरेशन किया था जो दुनिया का सबसे बड़ा जो सर्चिंग ऑपरेशन था, इसमें जो 2 दिन आर्मी के जो आर्मी एविएशन के हेलीस K2 के चक्कर काटते रहे और जो F-16 तैयारे भी भेजे गए, लेकिन K2 का मौसम इतना हार्श होता है क्योंकि इतना सख्त मौसम है, क्योंकि बादल आगे पीछे आए होते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी एक नामुमकिन काम था मेरे हिसाब से, फिर भी उसको मुमकिन बनाने की कोशिश की लेकिन कोई क्लू नहीं मिला, तो इंशाल्लाह समर में फिर ट्राई करेंगे हम अगर कोई वो मिले तो। बाकी मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ आर्मी का और दूसरी हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट और GB गवर्नमेंट का कि उन्होंने हर मराहिल पर हमारी हौसला अफजाई की और हमारे साथ खड़े रहे, और बहुत सी कौम का स्पेशली कौम का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो आवाम से हमें मोहब्बत मिली है और जितने वालिद को इस उसमें वो हुई है कि वालिद के जो कारनामे हैं और वालिद की जो कुर्बानी है उसको सराहा है, उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आखिर में आप पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी नौजवान और ख़ास तौर पर जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी पाकिस्तानी कौम को तो मैं यही पैगाम दूंगा कि ये हमारा मुल्क है, हमें इससे प्यार होना चाहिए और इससे फेयर होना चाहिए, और हम जिस फील्ड पे हों उसमें मुफलिसी के साथ और ईमानदारी के साथ काम करें तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी रोशन होगा और हम भी रोशन होंगे और हमारा मुमलिकत पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे कौमी हीरो जो अली सतपारा के फरजंद साजिद सतपारा, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, हकायक सुने, तो इसी के साथ अपने मेज़बान जवाद अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।